बारिश शुरू हो चुकी है मुंबई में और मैं जा रही हूँ मुंबई से अहमदाबाद बाय रोड, और वो भी स्पेशली फॉर राखी। और कल मेरी नीस का बर्थडे है शायद, और लेट मी गिव हर सरप्राइज। उनके 3 बज चुके हैं और यहाँ से मुझे 10 घंटा ड्राइव करना है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मेरा मास्क है, मेरे पास मेरे सैनिटाइजर, मेरे स्प्रे और सामान थोड़ा पीछे है, थोड़ा डिक्की में है, तो पूरा गाड़ी एकदम फुल है पैक है। थोड़े चिप्स ले लिए, थोड़े चॉकलेट्स ले लिए, ताकि रास्ते में मैं कहीं पे खड़ी ना रहूँ, आई होप। बट पता है गुजरात जाते समय ऐसी ऐसी जगह आती है जहाँ पर गुजराती फूड इतना टेस्टी मिलता है कि आपसे कंट्रोल ही नहीं होगा। बट लेट्स सी, मैं शायद कंट्रोल कर सकूँ। पता है आपको, पिछले 4 महीने से मैं बस घर पे बैठी थी, सोच के कि कोविड खत्म होगा, बाद में ट्रैवल करूंगी, बाद में घर से बाहर जाऊंगी, मुंबई से बाहर जाऊंगी। बट अब बहुत हो चुका, लोगों ने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया है, मुंबई के ट्रैफिक भी बढ़ चुके हैं और मैं भी यहाँ से निकल चुकी हूँ। बाद एक जगह है श्री दत्ता स्नैक्स, तो मैं ना वहां पर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है श्री दत्ता स्नैक्स। जब आप मुंबई से गुजरात जाते हो ना, तो रास्ते पे आता है लेफ्ट साइड पे विरार के बाद 18 किलोमीटर पे, और यहाँ का फूड बहुत यम है जो मैंने सुना है। सो आई एम गोइंग टू ईट समथिंग, लेट्स सी। मुझे ना साबूदाना वड़ा बहुत पसंद है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा, तो यही है, एकदम फ्रेश बना के देते हैं, गरम गरम है। सो ड्राइव करते समय खाते खाते मैं जाऊंगी। वाओ, टू गुड, वाओ, जो टेस्ट है ना इसका, यू कांट कंपेयर, मुंबई में नहीं मिलता है, यानी प्रॉपर इन साइड द सिटी नॉट पॉसिबल। सामने एकदम ब्लैक क्लाउड्स है, लगता है जोर से बारिश होने वाली है, मजा आएगा, बारिश और ड्राइव। पहले जैसा बिजनेस हो रहा है? हाँ, हो रहा ना बिजनेस। ना कोई कोरोना के केसेस आए हैं यहाँ पर? नहीं तो मैडम, इधर कहीं नहीं है। ये पूरे एरिया में नहीं है? पूरे एरिया में कहीं भी नहीं। ये मैं कहाँ पर हूँ अभी फिलहाल? मनोर। मनोर, ओके। एक्चुअली क्या है ना, मुंबई स्पेशली मेट्रो सिटी है, इतना रश है, इतने लोग है वहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता, इसलिए ज़्यादा केसेस है। बट मुंबई से बाहर आउटस्कर्ट्स में जहाँ छोटे छोटे टाउन विलेज है, वहाँ पर कोरोना के बहुत कम केसेस है। शाम के 6 बज चुके हैं, वैसे भी क्लाउडी वेदर है आज, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है, और थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करने थे मुझे ऑन द वे, तो यहाँ पर साइड में मुझे बहुत अच्छा लोकेशन दिख रहा है और मैं यहाँ पर बाहर निकल रही हूँ। सी पीछे कितना मस्त लग रहा है, आई थिंक यहाँ से मुझे जाना है, ये छोटा सा रास्ता है। वाओ, मुंबई से दूर ये जगह और यहाँ पर कितनी शांति है। शांति भी कई बार खतरनाक होती है, क्योंकि इतना भी यू नो सन्नाटा और वो भी ऐसी जगह, बट सब कुछ ठीक है। माय गॉड, ये पूरा जंगल है अंदर, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बट मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रही हूँ, यहाँ पर ही मैं अपनी कुछ फोटोग्राफी कर लेती हूँ जब तक अंधेरा होता है। सो मैंने यहाँ पर अपना टाइमर ऑन कर दिया है, और ये फ़ोन पे ट्राइपॉड पे फ़ोन है, और अब मैं वहाँ पर खड़ी रहूँगी और अपनी फ़ोटो क्लिक करूँगी। मैं ना यहाँ पर नीचे से वहां पर आती हूँ, ट्रक जो है ना उसके शॉट ले रही हूँ। फाइनली यहाँ से मैं मूव कर रही हूँ, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं, अभी तक तो मैं सूरत भी नहीं पहुंची हूँ, वापी पहुंची हूँ सिर्फ। मजा आ गया, एडवेंचर। ऐसे बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर खड़े होकर फोटोग्राफी करने में बहुत इंजॉय होता है। सो आई हैड फन, और अब मैं सीधा डायरेक्टली सूरत में स्टॉप करूंगी। जब भी मैं रोड ड्राइव करती हूँ ना, तो दिमाग में डर रहता है कि एडवेंचर के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मीन्स कभी पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया, कभी पेट्रोल खत्म हो गया सडनली। यहाँ से वलसाड लेफ्ट, नवसारी सीधा, तो मुझे नवसारी के साइड
आगे ना एक काठियावाड़ी रेस्टोरेंट आने वाला है, वहाँ पर जाके मैं खाऊंगी गरम गरम खिचड़ी कड़ी। सूरत के बाद जो तोलना का आता है ना, वहाँ पर ये जगह है जलाराम काठियावाड़ी, और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। सो मैंने यहाँ पर डिनर का एक ब्रेक लिया है छोटा सा। आप है ना बिलीव नहीं करोगे, जनरली ना ये सारी जगह इतनी पैक रहती है, इतनी पैक रहती है, बट अभी तो बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोरोना के केसेस हैं? नहीं है सूरत, यानी इस एरिया में नहीं है, सूरत में तो बहुत है। तो यहाँ पर है ना काठियावाड़ी मेन्यू है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लहसुन या बटाटा, सेव टोमेटो, आलू पराठा एंड कढ़ी खिचड़ी। अभी मुझे ड्राइव करना है और 5 घंटा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट खाना खा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ की स्पेशल खिचड़ी ऑर्डर करी है, साथ में कढ़ी और पापड़। काठियावाड़ी खाना ना बहुत टेस्टी होता है, और उसमें फैट भी बहुत होता है, क्योंकि घी बहुत होता है, मीठा बहुत होता है, बट बहुत यम होता है। यानी आपको ट्राई करना चाहिए, अगर आप गुजराती नहीं हो, कभी खाया नहीं है ना, यू शुड ईट। आपने कभी लाइफ में ओवर ईटिंग करी है? मेरे जैसे बहुत खा लिया है, और यहाँ से निकल रही हूँ, और मुझे 5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे ड्राइव करते करते पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ निकल जाता है। रात के 11:30 बज चुके हैं और मैं भरूच क्रॉस कर चुकी हूँ। अहमदाबाद पहुंचने में और 3 घंटा बाकी है, और ये है भरूच का ब्रिज। मेरे है ना काफी नॉन गुजराती फ्रेंड्स हैं जो आज तक कभी गुजरात नहीं गए, बट गुजरात ब्यूटीफुल स्टेट, और ऊपर से अहमदाबाद तो बहुत खूबसूरत है, मोदी जी का तो शहर है। सो ये है एक्सप्रेस हाईवे बड़ौदा का, तोलना का, और अब बहुत ही थोड़ा सा रास्ता बाकी है अहमदाबाद पहुंचने के लिए। ये है सुनसान सा अहमदाबाद, अब रात को 2 बजे, वैसे भी और क्या मिलेगा। आई स्वेयर इतना है ना सन्नाटा मैंने अहमदाबाद में कभी नहीं देखा। मीन्स मैं कभी यहाँ पर रहती हूँ तो लेट नाइट शो मूवीज की देखने भी गई हूँ, घर पे भी गई हूँ, बट इस बार तो कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और पूरे रास्ते में मैं सोच रही थी कि कहीं पर मुझे कॉफ़ी शॉप मिल जाए कि मैं कॉफ़ी उठा लूँ, पूरे रास्ते में नहीं देखा, और आखिर में मैं अहमदाबाद में एंटर हो भी गई। कॉफ़ी अब घर जाके पीऊँगी। पहुंच चुकी हूँ मैं अहमदाबाद, और मैं अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। मॉमनेट को बिल्कुल नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, भाई को पता है, उसको मैंने बता दिया था। तो पापा मम्मी के लिए ना सुबह में सरप्राइज होने वाला है। आयो गुस्सा ना हो, क्योंकि इतनी रात को मैं ट्रैवल करके गई हूँ ना, उनको पता चलेगा बहुत गुस्सा होंगे या नाराज होंगे, बट दैट्स फाइन। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, पर जब आप फैमिली के साथ होते हो ना, उसका मजा ही अलग होता है, और इसलिए मैं मुंबई से अहमदाबाद भाग के आ गई, स्पेशली फॉर राखी एंड मेरी नीस के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। पता है मैंने भाई को कॉल किया था कि मैं आ रही हूँ, भाई सर नो, ऐसी सिचुएशन में आने की जरूरत नहीं है, पर मैं तो आ गई और आज मैं फील कर रही हूँ हाउ मच हैप्पी ही इज। और मैंने तो धमाकेदार सेलिब्रेशन किया। आपकी रक्षाबंधन कैसी हुई कमेंट्स में जरूर बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।